अयोध्या में योगी सरकार का फरमान जारी। 22 जनवरी को अयोध्या में दाखिल नहीं हो पाएंगे कोई भी। दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामलला का अयोध्या में होने वाले भव्य उद्घाटन में कौन कौन हो सकता है शामिल और क्या है नए कानून, बताएंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आखिरकार साल 2019 को फैसला आया कि अयोध्या में जिस जगह बाबरी मस्जिद है उस जगह मंदिर होना चाहिए और यह मामला हिंदू पक्ष में सुनाया गया। साल 2019 को इस तरह के फैसले के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनाने का काम शुरू हो गया, जो आज लगभग बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है और इसकी तैयारी भी अयोध्या में जोरों शोर से चल रही है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश और देश भर में खुशी की लहर दौड़ रही है, लेकिन राम मंदिर के बनने के बाद देश के ही अंदर कई लोगों को इस बात से कड़ी नाराजगी हुई है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसी भी अयोध्या और अयोध्या के आसपास किसी भी तरह का कोई भी दुर्घटना ना हो उसके कड़े इंतजाम किए गए हैं और देश भर से आने वाले राम भक्तों के लिए नियमों को लागू किया गया है। आपको बता दें अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन में देश के अलग अलग क्षेत्र से आने वाले मशहूर हस्तियों को भी न्योता दिया गया है। उद्घाटन में आने वाले मेहमानों की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और इन्हीं मुद्दों को नजर में रखते हुए अयोध्या में आम लोगों के लिए होटल 22 जनवरी को अवेलेबल नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 300 से ज्यादा VVIP और 5000 से भी अधिक लोग अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में आने वाले सिर्फ ऐसे ही लोग 22 जनवरी के दिन होटल की बुकिंग करा पाएंगे, जिसके पास भगवान श्री राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए उनके पास पास यानी कि आमंत्रण पत्र होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामों को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई और सख्त आदेश भी जारी किया। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ही 22 जनवरी को अयोध्या और उसके आसपास के होटल और धर्मशालाओं में होने वाले प्री बुकिंग को रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। इस तरह अयोध्या में आने वाले वह लोग जो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रित नहीं किए गए हैं उन सब की 22 जनवरी को बुकिंग रद्द होगी। इसके अलावा जिन अधिकारियों के अयोध्या में ड्यूटी लगी हुई है उनको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य उद्घाटन देखने के लिए आने वाले राम भक्तों पे अगर प्री बुकिंग कराई है तो उनकी सब बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया जा रहा है उस दिन अयोध्या में 100 से ज्यादा फ्लाइट लैंड करेगी और इस दौरान ट्रैफिक रूट में भी बदलाव होगा। श्री राम मंदिर उद्घाटन को देखने की हसरत रखने वाले सभी भक्तों को यह तगड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर यह जरूरी था ताकि अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन में आने वाले VVIP की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया जा सके। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, जिसके लिए 22 जनवरी 2024 के को शुभ मुहूर्त निकाला गया है। इसी दिन रामलला को उनके गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें राम मंदिर में स्थापित करने के लिए रामलला की 3 मूर्तियां बनाई गई है, जिसमें से गर्भगृह में रखने के लिए तीनों प्रतिमाओं में से मुख्य प्रतिमा का चुनाव होगा और फिर इस प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा तक भगवान श्री राम की आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी और मंत्र उच्चारण के बीच ही भगवान श्री राम की प्रतिमा की आंखों की पट्टी हटाई जाएगी। मूर्ति को दुनिया के सामने लाने का मुख्य अनुष्ठान 22 जनवरी को होगी। श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। राम भक्तों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। राम मंदिर के बाद लोगों को मथुरा में कृष्ण मंदिर और काशी में भोलेनाथ के मंदिर में बनने का भी इंतजार है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन में योगी सरकार के इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।